कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पर हैं। कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी बंद होने के चलते सरकारी अस्पतालों की ओपीडियों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीज परेशान होकर अस्पतालों से घर की ओर वापस लौट रहे हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र प्रधान डॉक्टर प्रदीप नागर के अनुसार सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों की मांग है कि पीजी में बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव, एसएमओ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, वहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए अलग से कैडर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परसों तक मांगों को अगर नहीं माना गया तो इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया जाएगा। मांग है, एक सबसे पहली मांग है कि मतलब बॉन्ड कम किया जाए, जो बच्चे पीजी करने जाते हैं उनको 1 करोड़ के 2 श्योरिटी बॉन्ड देने पड़ते हैं, श्योरिटी बॉन्ड बहुत ज़्यादा है 1 करोड़ के 2, उन्हें प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है, बैंक श्योरिटी देनी पड़ती है, 50 लाख का बॉन्ड होना चाहिए और वो विदाउट मॉर्गेज विदाउट बैंक श्योरिटी होना चाहिए। अगर वो ड्यूटी करता है आगे तो वो लेवल नहीं है देने के लिए, अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो 50 लाख रुपये बनेगा। दूसरा डायनेमिक ACP 4/9/13/20 पे डायरेक्टर सब रिक्रूटमेंट बंद होनी चाहिए, इसकी गजट नोटिफिकेशन करे गवर्नमेंट, सिंपल अस्पेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और एक डायनेमिक ACP होगी और एक स्पेशलिस्ट कैडर, स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर हम चाहते हैं कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए, जो हमने उनको अपॉइंटमेंट दिया उसके हिसाब से बनाया जाए, जिसमें सीनियरिटी मेंटेन हो। अगर सीनियरिटी मेंटेन वो नहीं करता है तो हमें सीनियरिटी मेंटेन करते हुए वो कैडर। तो डॉक्टर साहब बात करें, आज OPD बंद है? आज OPD बंद है, तो पहले भी 2 घंटे की हड़ताल की थी क्या? हड़ताल 2 घंटे की पेंटाउट स्ट्राइक की थी हमने, उसके बाद आज का प्लान था कि हम OPD बंद रखेंगे, लेकिन इमरजेंसी से OPD बंद। तो क्या सरकार से कोई बातचीत हो पाई? बातचीत के लिए शायद आज इन्विटेशन आएगा तो हम बातचीत। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या आगेगा? अगर नहीं मानती है तो फिलहाल प्लानिंग में से फुल शटडाउन की कॉल है, जिसमें MLR PMR की तरह कोई काम नहीं किया जाएगा और फुल शटडाउन है। लेकिन ये ओवरऑल दिक्कत ये है कि रोज ही सफ़र करते हैं, पब्लिक भी सफ़र कर रही है, हम भी सफ़र कर रहे हैं। 200 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे, 200 बेड का हॉस्पिटल चलाने के लिए अगर हम एक स्पेशलाइजेशन की बात करें गायनेकोलॉजी की, अगर वो OTP करना है, इमरजेंसी OTP कर रहे हैं, वो साथ में OPD भी करनी है और इलेक्टिव OTP करना है, तो एक स्पेशलिटी के साथ साथ डॉक्टर चाहिए। उसके अगेंस्ट यहाँ पे सिंगल काम कर रहे हैं, ओवर बर्डन है, उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। और एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वर्क कंडीशन पूर होने का डॉक्टर नहीं आ रहे, सिर्फ सैलरी एक कारण नहीं है। उनको डॉक्टर अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, कैडर बनाना चाहिए। अगर डॉक्टर पूरे काम करेंगे 200 बेड के ऊपर जैसे हॉस्पिटल आइए, तो उनको भी अपने लिए भी टाइम मिलेगा, वर्किंग कंडीशन अच्छी होंगी तो वो भी काम करेंगे। अब लोग एक दो फिजिशियन है, एक सर्जन है, एक सर्जन को OPD भी देखने, उसको LFOT भी करना है, सारे काम करने हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऊपर जो VIP ड्यूटीज आती हैं और काम आते हैं वो भी करने हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हुए हैं। कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हड़ताल है, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के KSU TV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।